अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तक भूल सकते हैं आगे का लव मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 139। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। हद्या की मानो अब जान पे जान आई वापस। जैसी वो प्रणाली की आवाज़ सुनती है वो उसे साइड से आकर के रो पड़ती है। प्रणाली एकदम से अध्याय की फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड थोड़ी सी लगा के बोलती है कि बस भी करो, हमारी बेबी रो रही है, मैं इसको संभालूँ कि तुम्हें संभालूँ। अध्याय बोलती है इसीलिए मना की थी, मुझे नहीं पसंद आप इतना दर्द सहो, मैं कर लेती ना कॉन्सेप्ट। तभी प्रणाली हंसती होती कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई कर लेना। तभी अध्याय एकदम से उठती है और घूरते हुए दिखते हैं, बोलती है नेक्स्ट टाइम सीरियसली। प्रणाली हंसती है और एकदम से वो बच्चे की ओर देखती है। जैसी वो बच्चे की ओर देखती है ना, उसकी आँखों से आंसू छलक जाती है और वो आंसू को अध्याय पोंछती है एक हाथ से। हर प्रणाली बोलती है इसको गोद में लियो। नहीं मैंने नहीं लिया अभी तक। बोलती लो, ठीक है मुझे नहीं पता ना कैसे लूँ। ठीक है झूठ मत बोलो, टावल लपेट लपेट के तुमने जो ट्राई मारी है, जो रिसर्च वगैरह करी है बेबी लेने की, वो प्रयास करो अब। अध्याय बोलती कि बहुत अजीब सी लग रही है। देखिए कोई बात नहीं, लो लो। तभी एकदम से काव्या वो बेबी को लेती है और एकदम से अध्याय की हाथ में देने लगती है। अध्याय की पूरी हाथ कांप रही थी। तो काव्या बोलती अरे यार इसके तो हाथ कांप रहे हैं, कैसे दूँ? प्रणाली बोलती दो उसको, संभाल लेगी, मुझे भी तो संभाली है, दो दो को संभाली तो अब उसको संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाकई में जैसी ही काव्या बेबी को एकदम से अध्याय के हाथ में पकड़ाती है ना, वो जो फीलिंग्स होती है वो बताना बेहद मुश्किल है, बयां करना मुश्किल है। वो एक एहसास होती है कि सबको बयां करूं तो भी शायद समझ ना आ जाए, नहीं आए। अध्याय वो लेती है, छोटू सी जान थी बस उसकी दोनों हाथ के बीच में, वो एकदम से आराम से आप जो रो रही थी, जैसी वो अध्याय की गोद में गई उसका तुरंत रोना बंद। प्रणाली बोलती कि अरे वाह ये तो रोना बंद कर दिए। अध्याय बोलती कि एक तो ना अब ज़्यादा ज़ोर से बात मत करो। और ये बेबी की इतनी क्यूट, उसकी इसकी उंगली इतनी छोटू छोटू सा, और इसका नाक तो मेरी तरह है। वो एकदम से अपनी नाक को देखने की कोशिश करते हैं। काव्या को बड़ी हंसी आ रही थी, वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर नहीं पा रही थी तो दूसरी तरफ फेस कर ली थी। बोलती कि ये अलग ही है भाई। और प्रणाली को भी हंसी आ रही थी अध्याय की इन हरकतों पे। अध्याय बच्ची को लेके एक बार इधर जा रही थी, एक बार इधर जा रही थी। बोलती कि इसके इसके पूरा नाम मतलब इसकी स्किन इतनी लाल सी हो गई है। तभी काव्या बोलती कि अरे यार वो रोने के कारण हुई है, गुस्से वाली होगी ज़रूर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बोलती है मेरी तरह नहीं, ये प्रणाली जी की तरह होगी, बिल्कुल कितनी खूबसूरत है, कम से कम मेरी तरह नहीं हुई। प्रणाली बोलती कि उठ के ना अभी एक मारूंगी ना चपेट अगर ऐसी बात करी तो। अध्याय बोलती कि सॉरी पर ये कितनी क्यूट है, इसका क्या नाम दूँ? बोलती है अरे वो बाद में रख लेंगे दी, ये बिल्कुल एंजल की तरह है, मैं परी बुला सकती हूँ उसको, बिल्कुल परी जैसी है, छोटू सा परी हमारी। तभी प्रणाली बोलती कि परी बुलानी है? बोलती कि बहुत क्यूट है परी, एकदम जचती है इस पर, देखो ये कितनी क्यूट है। और अध्याय ये बोलती हुई इसकी आँखों से आंसू आ रहे थे। पर प्रणाली बोलती है तो रो क्यों रही हो? बोलती कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, बस मेरे आंखों से आंसू आ रही है। प्रणाली बोलती कि आंसू को पोछो। बोलती कि कैसे पोछूँ मैं, लेकिन वो आंसू थमने की नाम ही नहीं ले रही। वो बच्ची को लेके बात कर रही थी प्रणाली के साइड में जाके, लेकिन उसके आंसू गिर रहे थे। बच्ची को गोद में लेते हुए एकदम से प्रणाली की फरहट पे किस करती है। बोलती है आई रियली लव यू, और ये ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तोहफा है जो मुझे आपने दिया है। प्रणाली बोलती कि है ना? बोलती कि हाँ ना। तभी प्रणाली बोलती कि इससे भी ज़्यादा कीमती तोहफा तुम हो मेरे लिए, तुम ना होती तो ये सब कभी ना होती, आई रियली लव यू। अध्याय बोलती आई लव यू टू बोथ ऑफ यू, और एकदम से वो बेबी के फॉरहेड
पे किस करती, जैसे किस करती है ना तो बेबी थोड़ी सी हलचल सी करती आती है, बोलती है ये कितनी क्यूट है, मतलब मन ही नहीं हो रही इसको अपनी गोद से हटाओ, तो बोलती कि मत हटाओ गोद मेरे के रखो, किसने रोका है तुम्हें। और बाहर का सिचुएशन सब बहुत ही, वो परेशान में थे, तभी काव्या बोलती अच्छा तुम वो रुको, और बेबी की कुछ चीज़ें थी वहाँ पे प्रणाली की तो वो क्लीन वगैरह होते हैं, और काव्या एकदम से निकलती, जैसे निकलती उसको घेर लेते सब की क्या हालत है, तो वो मुस्कुराहट के साथ बोलती कि सब बिल्कुल बढ़िया है, सब ठीक है, बच्ची और बच्ची की माँ दोनों ठीक है। और अध्याय की मॉम की ओर देख के बोलती कि आंटी जी आपकी चरण कहाँ है, मतलब क्या खा के आपने अध्याय को पैदा की है, मतलब एक ही पीस है पूरी दुनिया में, अजीब ही है, और सच कहती हूँ बहुत अलग है। प्रणाली वो जो काव्या की बात सुन के अध्याय की मॉम रो पड़ती है, वो ये तसल्ली होती है ना कि चलो सब कुछ ठीक हुए, सब कुछ परफेक्ट है, सब बहुत खुश थे। अध्याय के पापा तो फटाक से वहाँ से निकल के जाके मिठाई की जो पैकेट वगैरह लेके आते, पूरी हॉस्पिटल में मिठाई बांटे जाते हैं, जो प्रणय का दोस्त वगैरह था वो भी, ये लोग सारी चीज़ हो जाते हैं, अब प्रणाली के घर तक वो जो आ रहे थे उनके पास ये इन्फॉर्मेशन चले जाते कि हाँ प्रणाली ठीक है और बच्चे भी ठीक है, बेहद खुश थे। और वो बस अब इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे कि कब ये हॉस्पिटल आए और प्रणाली को देखे और प्रणाली की बच्ची को देखे, ख़ास करके प्रणाली की पिताजी बहुत खुश थे। प्रणाली की दादाजी अब भी गुस्से में अड़े थे, लेकिन होते हैं ना जब भैया बच्चे की बात ही अलग होते हैं, तो कुछ कुछ उनकी दिल में भी वो चीज़ हो रही थी कि एक बार देख ले। तो ये लोग आते आते लगभग बहुत देर हो जाते, मतलब 10 बज जाते हैं, उस बीच अब बेबी की वो होती है ना कि उनको फीड करनी होगी तो मिल्क चाहिए होती है जो जेन्युइन होती, तो अब वहाँ पे नर्स जो होते हैं वो अध्याय को घूर घूर के देख रही थी कि ये कैसे करा पाएगी ये वगैरह, तो काव्या आती है और वो अध्याय को बोलती कि अब बेबी को फीड करानी होगी, तो तभी अब बोलती कि वो मैं ठीक है मैं कर सकती हूँ, वो मैंने ये सारी चीज़ पूरी रिसर्च कर ली थी, स्टडी कर लिया है। वेरी गुड, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मदर हो तुम, बोलनी पड़ेगी क्यों नहीं तो क्या, अब वो मेरे लिए इतनी कुछ कर रही है मेरी परिवार की सोच के, तो बदले में मैं ये सब तो कर ही सकती हूँ। तभी काफ़ी बोलती कि अगर तुम्हारे जैसे पार्टनर हो ना तो क्या ही कहे, कैरी ऑन, हम तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देते हैं और जैसे ही बेबी को फीड करा दोगे तो इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आएगी और अब फैमिली मेम्बर भी आएंगे देखने के लिए, तो होप यू अंडरस्टैंड। अध्याय बोलती कि हाँ मैं समझ गई। तो वहाँ से इन तीनों को अकेले छोड़े जाते हैं, अध्याय बेबी को बड़ी प्यार से संभालती है, और बेबी का संभलना देख के ही प्रणाली शौक थी कि इतने दिन जो अध्याय प्रयास कर रही थी इस सारी चीज़ों का, आखिरकार वो सफल हुई। बोलती कि काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट टाइम है, पर यू डिड गुड जॉब, अच्छे से कर रही हो तुम। अध्याय बोलते कि हाँ अब बेबी को खिलाने भी तो है, खिलाओ। या अच्छा मैं खिलाऊँ, मदद करो मेरी। अध्याय को थोड़ी बहुत शर्म आती है, तो एकदम से बोलती कि क्या अध्याय तुम भी थोड़ा बहुत तो करो ना। ठीक है अरे मैं कर रही हूँ, मतलब मेरी भी तो पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम है, यहाँ तो कोई बात नहीं। तो अध्याय प्रॉपर मदद करती है प्रणाली की, फीड करा देती है बेबी को, और जैसे वो कराती है बेबी को साइड में रखती है, तो एक और नर्स आते हैं, तो बेबी के लिए होते हैं ना टावल वगैरह लेके आए थे और कुछ चीज़ जो बेबी को पूरे चीज़ें करते हैं क्लीन वगैरह करके, साइड में वो वहाँ पे झूले होते हैं वहाँ पे रख देते हैं। और तभी एक एक करके फैमिली मेम्बर आ रहे थे कि ये प्रणाली प्रॉपर ठीक थी, उसे कोई इशू नहीं थी। तो आते हैं तो एकदम से प्रणाली की ओर जो बेडशीट थे वो अध्याय प्रॉपर उसको ओढ़ देती है। प्रणाली को ये सारी चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी और अध्याय के लिए उसके प्यार और बढ़ रहे थे, और अध्याय की हाथ पकड़ ली थी। अध्याय बोलती कि क्या हो गई है, ठीक कुछ नहीं बस मेरे हाथ थाम के रखो। जैसे ही रखती है अध्याय की पापा पहली बार आते हैं सीधा बेबी की ओर, और जैसे ही बेबी की फेस की ओर देखते हैं ना ये लोग रो पड़ते हैं, अध्याय के पापा के साथ साथ प्रणाली की पापा भी रोने लगते हैं। प्रणाली इनकी ओर देखे बोलती है इनको क्या हो गई है। प्रणाली की मम्मी और अध्याय की मम्मी आती है, अध्याय की मम्मी प्रणाली की फॉरहेड पे किस करती है, बोलती कि तुम ठीक हो ना, देखिए क्या मम्मी इन्फेक्शन हो सकती है क्या अभी, हाँ मैं ठीक हूँ,
तुमने जो आज खुशी दी है ना बेटा, उसका कोई भी हिसाब नहीं है किसी के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाली बोलती कि क्या मम्मी, आप भी बहुत खुश थे? वहाँ अध्यय की पापा और प्रणाली की पापा ये दोनों ही बेबी के साथ बात कर रहे थे और रो रहे थे। दूर खड़े होके प्रणाली के दादा बस एक नज़र प्रणाली की ओर देखते हैं और दूसरे पल वो प्रणाली के पिता की ओर देखते हैं, जो बच्चों की तरह रो रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उनके आँखों से वही अध्यय की जैसी ही आंसू आ रहे थे। सेम अध्यय के पापा के भी होती कि ये देखो इन दोनों को, ये दोनों आपस में रो रहे थे। प्रणय जो था वो थोड़ा सा शौक था, उसको ये लगा था कि बचपन से इतू सी थी वो प्रणाली, तो वो एकदम से होती कि मैं भी ना, मतलब मेरी बहन की बेटी हुई है वो भी इतू सी। तभी प्रणाली आस्ते होती कि क्या भाई, आप भी थोड़ी बहुत वहाँ पर चीज़ें रह पड़ते। एक एक करके सब बेबी को गोद में लेते हैं, लेकिन जैसे ही सब गोद में लेते बेबी रो पड़ती। केवल अध्याय ही थी जी, इतनी सॉफ्ट वे में कंफर्टेबली वो बेबी को गोद में लेती है कि उसके गोद में जाती है, बच्चा चुप हो जाती है। तो सब ये बोलती कि ये गलत बात है, हम इतने आराम से लेते, रो पड़ती है तुम्हारी गोद में जाती है, रोना बंद कर देती है अध्याय, दिस इज़ नॉट गुड यार। अरे हमें भी तो थोड़ी खेलने के मौका दो बच्चों से। सिम्मी के साथ भी वही होती है, मानसी के साथ भी वही होती है। तभी अध्याय बोलती कि मुझे नहीं पता इस बारे में। जैसे भी बच्चे रोने लगती है अध्याय को दिए दिए जाते हैं और अध्याय शांत करा लेती है। प्रणाली की कंडीशन प्रॉपर ठीक थी तो उसे एक दिन बाद ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। रिलीज़ करने के बाद ही लोग घर जाते प्रॉपर, इनको वो तिलक वगैरह करके इनको जो है वो वेलकम किए जाते हैं इन तीनों का। बहुत खुश थे सारे ये लोग। जैसे जाते अब घर पे जो वो माहौल के बारे में प्रणाली बताती है वही होती है। कुहू भी आ चुकी थी, कुहू भी बहुत खुश थी। शायद कुहू ने भी ये कभी ना सोची थी, वो भी बहुत खुश थी। मुझे कि है ये तो मेरे बेटे से भी कितनी क्यूट है यार, प्रणाली एक्सचेंज कर लेते हैं ना, मेरे बेटे को तुम रख लो, तुम्हारी बेटी को मैं रख लेती हूँ। तभी अध्याय बोलती कि हलवा है क्या? नहीं, हमारी बेटी हमारी पास ही रहने दीजिए, आप अपने बेटे के साथ खुश हो। तभी कुहू बोलती कि तू ऐसे करेगी मेरे साथ? मैं तेरी बहन नहीं हूँ, दी नहीं हूँ तेरी। तो बोलती कि देखो दी हो पर वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मैं नहीं देने वाली मेरी हमारी बेबी को। नहीं ना प्रणाली जी। प्रणाली बोलती है दी मजाक कर रही है क्या, तुम भी इतनी सीरियस नहीं होनी है, और पहले ना तुम खुद नॉर्मल हो जाओ, मैं ठीक हूँ। अध्याय बोलती है मैं डर गई थी। ये कोई बात नहीं अध्याय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डरो मत। वहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। पहली बार जब वो बेबी प्रणाली की दादाजी की गोद में दिए जाते हैं वो तो ऐसे ही गुस्से थे, लेकिन पहली बार ना वो जैसे ही गोद में बेबी लेते हैं उनका टोन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बड़ी पोलाइटली वो बेबी किसी बेबी के साथ बात वगैरह कर रहे थे। एक उंगली जैसी वो बेबी पकड़ लेती है ना दादाजी की, तो उनका मन ही बहक जाते हैं और बोलती है ये तो बिल्कुल प्रणाली की जैसी है। बचपन में जब ये छोटी थी, जब पहली बार मेरे गोद में आए थे, दिए गए थे, ये ऐसी ही मेरी इसी उंगली को पकड़ ली थी। अच्छा तो ये पूरी तरह तुम्हारी कॉपी है प्रणाली? हाँ, बस नाक थोड़ा चेंज है। तभी प्रणाली बोलती है कि अब मेरी साथ साथ ये अध्याय की भी कुछ तो है ना, तो उसकी भी तो कुछ चीज़ें चाहिए, तो ये नाक अध्याय की जैसी है। अध्याय एकदम सास्ते बोलती है क्या क्या, हाँ आप भी ऐसी कोई नहीं है। तो बोलते अच्छा सच में नहीं है? अध्याय चुप हो जाती है। माहौल खुशी भरी थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। जो गुरु जी थे उनको जो है वो इन्फॉर्म किए जाते हैं कि बेबी की नाम रखनी है, तो वो बोलते कि हाँ मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आता हूँ वहाँ पे। तो वो एक दिन के बाद वो गुरु जी भी आते हैं, सारी चीज़ हिसाब के साथ अब उस बच्ची के लिए नाम रखी जाएगी, तो इतनी नॉर्मल तरीके से थोड़ी ना होगी। पूरे अध्याय की जो घर थी उसको सजाए जाते हैं। जो प्रणय था वो सारी चीज़ें करता है अपनी जो होते हैं ना बहन की बेटी के लिए, बहुत खुश तो था वो, सारी खुशी में वो सारी चीज़ करता है खुशी से। उसके सारे दोस्त वगैरह आए थे और वो घर भी सजाए जाते हैं प्रॉपर। आसपास के कुछ कुछ जो
होते हैं और उस पर उसके वो लोग भी आते हैं, आशीर्वाद वगैरह देते हैं बच्ची को। बहुत क्यूट थी वो बेबी। अब बेबी के लिए नाम सोची जाती है तो सब एक एक करके नाम बता रहे थे। तो प्रणाली अध्याय की ओर देख के बोलती कि नाम बताओ। अध्याय बोलती कि मुझे नहीं पता, मैं तो परी ही बुलाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल एंजल जैसी है ना, तो परी बहुत क्यूट नाम है, परी ही सही है। तभी वो गुरुदेव एकदम से बोलती है परी ये सही है, परी ठीक है यही रख देते हैं। उनसे ओके तो यही रख देते हैं। हो बेबी की नाम भी परी ही रख दिए जाते हैं। तो नाम से बहुत सब लोग खुश थे। वो बेबी को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं। और बेबी वो तो अध्याय की गोद से जाने की नाम नहीं लेती, यहाँ तक कि वो प्रणाली के पास भी नहीं रहती थी। जब भी बस जब भी भूख लगती थी अध्याय प्रणाली के पास लेके जाती थी, वो फीड करा देती थी बस। और प्रणाली भी उसको संभाल नहीं पाती, इतना रोना। और वो जब वो रोती थी ना पूरे घर मच जाती थी, हल्ला मच जाती थी कि बेबी रो रही है इसको शांत करा। और कोई भी यहाँ तक प्रणाली तक बेबी को शांत करा नहीं पाती थी, केवल अध्याय ही शांत करा पाती थी। तभी एकदम से प्रणाली होती है ये सही है, मतलब 9 महीने तक मैं हर एक चीज़ सहूँ, मेरी पूरी शरीर के लहू को सींचते हुए ये दुनिया में आई। और जैसी इसको मतलब रोना वगैरह आएगी, इसको मैं शांत नहीं करा पाती हूँ, ये तुम शांत करा लेते हो, ये तो गलत बात है। अध्याय बोलती कि क्या गलत बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, दोनों की है ना, हम दोनों की है, तो कुछ आपकी होगी तो कुछ चीज़ें मेरी भी तो होगी ना। देखिए सही है, सारे मेहनत मेरी और नाम तुम लेके जाओ सही है। तो क्या, मैं तो बोली थी कि मैं कर लेती हूँ, आप मना कर दी थी। तो प्रणाली हंसती है, माहौल थोड़ा सा लाइट हो जाती है, सब मजाक मस्ती कर रहे थे, खुश थे सब। उस बीच एकदम से कुछ दिन बीत जाते हैं, जो प्रणाली के घर से लोग वगैरह आए थे सब वहीं पे रुके गए थे। अब बेबी आई है तो उस खुशी से ये लोग जा नहीं रहे थे, वहाँ पे रुक गए थे। मस्ती माहौल खुशियों से भरी हुई हर एक चीज़ थे। वैसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और एक दिन एकदम से सिमी की कॉल आती है अध्याय के पास। तो अध्याय बोलती है कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक है? सिमी बोलती है कि वो अध्याय, तभी अध्याय बोलती है कि क्या हो गई, तेरी आवाज़ इतनी लो क्यों है? सिमी तू ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, आज आई नहीं तू, क्या हो गई है? तभी साइड में एकदम से काव्या खड़ी थी, तो एकदम से जो अध्याय थी वो काव्या को, वो बेबी एकदम से बोलती कि थोड़ी देर के लिए लो आप। तभी काव्या बोलती कि यार एक तो तुम्हारी बेटी एक सेकंड के लिए मेरी गोद में नहीं रहती, तुम दोनों इसकी मम्मी कहाँ है? बोलती वो किचन में कुछ कर रही है शायद, आप थोड़ी देर के लिए उनके पास लेके जाओ ना, मैं वो सिमी से बात करती हूँ, कुछ इशू हुई है शायद। तो एकदम से वो बात करने लगती है, साइड में आके बोलती कि क्या हो गई, कुछ बोलेगी? बोलती कि वो घर आएगी अभी, मैं अभी अभी कैसे आ सकती हूँ यार, तुझे तो पता है मेरी घर की सिचुएशन, मेहमान वगैरह सब है। और ऊपर से थे बोलती कि अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अध्याय ठीक ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। वो फटाक से कॉल कट कर देती है। अध्याय को समझ नहीं आ रही थी। और तभी प्रणाली, क्योंकि काव्या गई थी, वो बोलती कि इसको थोड़ी देर के लो ना, ये रोने लग गई है। तभी प्रणाली बोलती कि अध्याय का है, बोलती कि वो सिमी से बात कर रही है, कुछ हुई है शायद, पता नहीं, डिटेल्स नहीं बताई। तो प्रणाली जानने के लिए बेबी को गोद में लेते हुए एकदम से आती है, बोलती कि क्या हो गया अध्याय? कि पता नहीं वो कुछ हुई है सिमी के साथ, पता नहीं वो साउंड लो कर रही है, मतलब लो साउंड कर रही है, बोल रही है कि घर आ सकती है कि मैंने मना की। तो बोलती कि मना क्यों की, जाओ। देखिए हमारे इतने सारे घर, तो क्या हुआ इतने सारे घर में लोग है, तो जाओ देख के आओ क्या हुई है। तो बोलती कि अभी जाऊँ? बोलती कि तो कब जाओगी तुम? पल्लवी भी बोलती कि क्या हो गई है? नहीं वो सिमी के घर जानी है, थोड़ी इसको लेके जाओ ना। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ चलो। तो एकदम सत्या बोलती कि अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और बेबी का भी। तभी प्रणाली बोलती कि सीरियसली थोड़ी देर के लिए जा रही हो तुम? तो बोलती तो क्या हुआ? प्रणाली हंसते और बोलती कि ठीक है जाओ, रख लेंगे ध्यान। तो ये बोलती है और अध्याय वहाँ से सिमी के घर के लिए चली जाती है। जैसे ही सिमी के घर पहुँचती तो देखते वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, अध्याय समझ नहीं पा रही थी। तो जैसे ही सिमी की माम अध्याय को देखते हुए, अरे अध्याय बेटा आओ आओ, वैसे भी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी लेकिन तुम्हारी सिचुएशन अलग है,
बेबी कैसे है? बोलती कि हाँ आंटी वो ठीक है, घर पे है। सिमी कहाँ है, सब कुछ ठीक है ना? बोलती कि हाँ। तभी एकदम से अध्या और पल्लवी एकदम से देखती है, तो पल्लवी बोलती ये कौन लड़का है? थोड़ी थोड़ी मतलब पहचान सी, मतलब ऐसी लग रही कि मैं जानता हूँ, जानती हूँ, देखी देखी सी। अध्या देखो तो ये लड़का। अध्या बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे सिमी से बात करनी है। तो पल्लवी उस लड़के को बड़ी गौर से देखती है और उसे एकदम से याद आ जाती है कि कहाँ पे देखी, और उसे याद आ जाती है कि अध्या और प्रणाली की शादी के बीच ही ये देखी थी इस लड़के को, और शायद ये लड़का प्रणय का ही दोस्त था। पल्लवी को जैसी याद आती है वो एकदम से बोलती है अध्या। तब तक अध्या सिमी की कमरे में आ चुकी थी। जैसे ही वो कमरे में आई थी, सिमी चुपचाप बैठी हुई थी। वो एकदम से बोलती है क्या हो गई तुझे, और देखती है कि सिमी तैयार हो रखी थी। बोलती कि वो यार लड़के वाले देखने आए हैं। बोलती कि तो क्या हुआ, तो यूँ रोतलू सा फेस करके क्यों बोल रही, तू मेरी जान लेगी क्या? डर गई थी मैं, क्या हो गई है, ऐसे कौन बोलता है, क्लियर बता नहीं सकती थी। और तभी पीछे से एकदम से आती है पल्लवी और बोलती है अध्या अरे ये लड़का वही है प्रणय का दोस्त, शादी पे देखा था इसको। अरे सिमी तुम तो मतलब, तभी वो चुप हो जाती है। अध्या को तुरंत याद आती है कुछ चीज़ें और वो एकदम से घूर के देखता है। बोलती ये क्या मजला है सिमी? सिमी बोलती अरे बस मैं मजाक करी थी यार, उस दिन मुझे नहीं पता थी कि ये लड़का मतलब वो फिसल जाएगा यार, सच में बस थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी मस्ती मस्ती में, मुझे नहीं पता था कि ये फिसल जाएगा और ये प्यार कर बैठेगा। अरे यार वहाँ से आने के बाद मतलब 1-2 महीने पहले अचानक से मुझे एक दिन मेरे ऑफिस के सामने नज़र आ गए ये लड़का, कुछ दिन पीछे वगैरह किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी चीज़ अलग थी, लेकिन ये पीछे पड़ गया। और सीधा मैंने जब बोला कि मैं इन सब रिलेशन वगैरह में आ नहीं सकती, तो उसने सीधा अपनी फैमिली को लेके आ गए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पागल है तू, डर गई थी मैं, ऐसे कौन डराता है। देखिए सॉरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तू तो मारूंगी एक, हाँ तो लड़का अच्छा है तो क्या इशू है। देखिए पर यार मुझे तो देखिए क्या, मुझे क्या कंफ्यूज वाली चीज़ें हरकतें कर रही है तू, क्या दिक्कत है? तो वे एकदम से जो जो पल्लवी है बोलती कि हाँ दिक्कत क्या है, अच्छे खासे तो दिखते हैं, तुमने ही तो बोली चिड़ चिड़ के बोली थी हैंडसम हंक, ये वो मानसी को साजिश कर रही थी, अब वो लड़का तुम्हें मिल गया इतनी आसानी से तो अच्छी बात है ना। ये क्या अच्छी बात है, अब मुझे नहीं करनी शादी। तो बोलती कि अच्छा कब करनी है फिर बोल। देखिए अरे यार क्या है, मतलब यार अभी तो बस भाई मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, मैं यहाँ वहाँ चल सकती हूँ, ये वो कर सकती हूँ, अब वो शादी के बाद उसका अलग नखरे होंगे, यहाँ पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुझे उन बंदाइशों में पढ़नी ही नहीं है अध्या। तो बोल के पागल है क्या, ऐसे नहीं होती, देखिए खुद को देख ले। तभी आते बोलती भाई मैं ऐसी कुछ हूँ, मैं कोई बंदाइश में नहीं हूँ यार, हर कोई प्रणाली की जैसे तोरी ना होगी, मुझे क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रही है, मुझे नहीं करनी शादी। तभी एकदम से पल्लवी हंसते और बोलती कि कर लो बात, और तभी क्योंकि प्रणाली भी टेंस हुई थी वो कॉल करती है, और बच्ची बिल्कुल मतलब प्रणाली के पास भी नहीं, मतलब वो संभाल नहीं पा रही थी, रो रही थी, वो कॉल करती है और एकदम से अध्या फ़ोन करती है, बोलती कि हाँ, और देखती है कि बेबी बहुत रो रही है। बोलती कि अरे इसको शांत कराओ ना। प्रणाली बोलती कि शांत कैसे कराऊँ, ये शांत हो नहीं रही है, तुम ये बताओ बस कि सिमी ठीक है। तभी अध्या एकदम से लाउड स्पीकर पे करती है, तो प्रणाली फिर से बोलती कि अरे बोलो कुछ, सिमी ठीक है ना? तभी सिमी बोलती कि हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। बोलती कि अरे तो इतनी लो वॉइस में क्यों बोल रही हो, क्या हो गई जो अध्या इतनी भाग के गई है, क्या हो गई, सब कुछ ठीक है ना? भी पल्लवी हंसते हंसते बोलती कि अरे तुम और अध्या की शादी में याद है हमारी यही यही सिमी जी एक लड़के को देख के बोली थी कि यार बंदा हैंडसम वगैरह है कुछ चीज़ें याद है क्या? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि कौन से लड़का? तभी एकदम से पल्लवी बोलती अरे याद करो ना, प्रणय का दोस्त था, तुमने बोली थी कि तू बोले तो बात वगैरह करूँगी, सॉर्ट आउट कर देती हूँ, लेकिन बाद में सिमी मुकर गई, वो याद है ना वो लड़का?
हाँ, याद आ गई। अरे वो तो भैया के फ्रेंड है ना, वो दीदी। हाँ, उन्हीं का रिश्ता आया है सिमी जी के पास, और सिमी जी को अपनी आज़ादी मंजूर है, उनको बंदाइश में पढ़ना नहीं है, तो ये परेशान है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि उसका रिश्ता कैसे पहुंच गई सिमी। तभी सिमी बोलती कि अरे मैं तो वो शादी वाले दिन ही उनसे थोड़ी बहुत बात करी थी, लेकिन मजाक मस्ती हुए में, मैं कोई सीरियस था नहीं, और ऐसी भी कोई बात नहीं करी कि वो लड़का फिसल जाए मेरे ऊपर, लेकिन वो फिसल गया। और कुछ महीने पहले तो मेरे ऑफिस के बाहर तक आ गए थे, मैंने साफ बोल दी थी कि मुझे रिलेशनशिप वगैरह में जाना नहीं है, मम्मी पापा जहाँ शादी कराएंगे मैं वहीं पे कर लूँगी, बस यहीं पे ख़त्म। कुछ दिन बाद वो गायब हो गया, और आज तो सीधा घर पे रिश्ता लेके आ गया। प्रणाली ज़ोर से हंस पड़ती है, वो बोलती कि तो अच्छी बात है, देखो वो लड़का बहुत अच्छा है, सच बोल रही हूँ, भाई का दोस्त है, मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ उस लड़के को, तुम एक बार उससे बात करो, यकीन मानो वो बहुत अच्छे लड़का है, एक बार बात करके देखो, अगर तुम्हें लगी कि वो सही नहीं है तुम्हारे लिए तो तुम मना कर सकती हो, आंटी अंकल से मैं बात करूँगी, बात तो करो। तथ्या भी बोलती कि हाँ करना, बात करके देख एक बार। तो सिमी बोलती कि भाभी सच में ना, अगर कुछ हो तो आप मम्मी पापा को समझा दोगे। प्रणाली बोलती कि आई स्वेयर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर लड़का तुम्हें पसंद ना आए ना सिमी, तो आई स्वेयर मैं कल ही आके तुम्हारी मम्मी पापा से बात करूँगी। तो चलो ठीक है, मैं जाती हूँ नीचे। तभी अध्यापक बोलती है गजब बात है ये, बोलती तो चुप करना, थैंक यू आने के लिए, चल मेरे साथ। और ये तीनों अध्या एकदम से फ़ोन कान में लगाई हुई थी, प्रणाली से बात कर रही थी। प्रणाली भी बोलती कि डोंट वरी, वो लड़का बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छी है, और सिमी को बहुत खुश रखेगी, तुम खुद चाहो तो एक बार उस लड़के के बारे में पता कर सकते हो, डिटेल वगैरह चाहिए तो मैं भाई को बोल दूँगी। तभी अध्या बोलती कि नहीं, आप बोल रहे हो तो अच्छा हो गया, क्योंकि देखो सिमी मेरी बहन जैसी है। प्रणाली बोलती कि मेरी भी, तुमसे जुड़े हुए हर शख्स, हर वो एक इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सिम्मी भी कोई गैर नहीं है मेरे लिए, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो रही हो सिम्मी के लिए, डोंट वरी मैं भाई से बात करती हूँ इस बारे में। बोलती कि पक्का ना, बोलती कि हाँ डोंट वरी, तुम एक बार बात कर लो, उसकी बोलने के तरीके से ही तुम समझ जाओगी कि लड़का कैसा है। और वैसे ही होते हैं, ये लोग जाते हैं नीचे, लड़के के मम्मी पापा बात करते हैं, और वाकई में लड़का बहुत ही अच्छा था, संस्कारी था, और उसकी बोलने का लहजा ही अलग था, और सिमी भी कुछ कुछ बात करते करके उसे वो भी समझ आ जाते हैं। तो एकदम से पल्लवी मस्ती मस्ती में बोलते हैं कि जो सिमी की मॉम थी वो थोड़ी साइड में गई थी, वो उस लड़के की माँ से बात कर रही थी थोड़ी सी साइड के, वो लड़के की माँ उनकी माँ मदद कर रहे थे। तो एकदम से पल्लवी मस्ती मस्ती होती है, देखिए हमारे दोस्त को ना आज़ादी पसंद है, शादी के बाद अगर आप ये कहोगी कि देखो तुम्हारे वहाँ पे जाना सही नहीं है, क्योंकि देखो हमारी अध्या और सिमी की दोस्ती बहुत गहरी है, बचपन की यारी है इनकी, यहाँ पे तो आधी रात में भी सिमी अपने घर छोड़ के अध्या के पास आ सकती है, बाद में आप कोई सवाल तो नहीं खड़े करोगे ना। तभी एकदम से वो लड़का बोलते कि जी जितनी भी रात हो उनको लेके मैं खुद आऊँगा, वो जहाँ जानी चाहती है मैं कभी रोकूँगा नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद आऊँगा, मुझे उनको बंदाइश में रखना नहीं है, बस उनके साथ रहना है, आई वॉन्ट टू मैरी हर। सिमी की बोलती बंद हो जाती है, तो पल्लवी थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है यार लड़का तो अच्छा है, सोच भी बहुत अच्छा है, क्या इशू है सिमी, वैसे भी तुम्हें ये लड़का तो पसंद ही था, झूठ मोटी से ही तुमने अच्छी खासी तारीफ तो किए थे हमारे सामने। सिमी बोलती कि क्या मजाक उड़ा रहे हो आप, बोलती कि देखो मान जाओ, वैसे भी उम्र ढल जाएगी ना, तो तभी एकदम से घूरते हुए सिमी बोलती अच्छा आपकी कितनी उम्र है, आप अभी तक करे क्यों नहीं हो, कि अरे मेरे टाइप के मिला नहीं ना, जिस दिन मिल जाएगी मैं फटाक से कर लूँगी, ये सही है मतलब। तभी अध्या बोलती कि देख लड़का अच्छा है, बाकी तेरी मर्जी। और प्रणाली जी ने तो बोली है, थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती है, और आखिरकार सिमी भी मान ही जाती है शादी के लिए, और बोली ठीक है, देखो मैं पहले से बोल रही हूँ, दुनिया की सारी चीज़ें अलग, मेरी और अध्या की रिश्ते अलग है, इस रिश्ते के बारे में कभी कोई चीज़ मुझे सुनना पसंद नहीं है,
और पूरी सच्चाई तुम भी जानते हो। तो कभी कुछ भी हो तभी वो लड़का बोलते कि आपकी हर हुक्म मेरे सराखों पर होगी। सिमी फिर से बोलती, उसका बोलती ही बंद हो जाते हैं। तो वहाँ से शादी वगैरह तय हो जाते हैं। लगभग 2 महीने बाद सिमी की शादी ये तय वगैरह होते हैं और अध्याय बहुत खुश होती है सिमी के लिए। वहाँ से अध्याय और पल्लवी खुशी खुशी सिमी के घर से अपने घर आती है। और बेबी अब तक रो रही थी, तो अध्याय जैसी जाती बेबी की पूरी फेस लाल हो चुकी थी। अध्याय फटाक से जाके पहले वो हैंड वॉश वगैरह करती है, पूरी हाइजीन थी वो बेबी के मामले में। पहले तो प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह कर ली थी, प्रॉपर फ्रेश वगैरह करके होके वो बेबी को गोद में लेती है। और वाकई में जैसे वो गोद में लेती है फटाक से बेबी की रोना बंद। सब गुस्से में अध्याय की ओर देख रही थी। अध्याय बोलती है मैंने क्या किया, इतनी देर तक हमने क्या नहीं किया इसको शांत करने के लिए, ये शांत हो ही नहीं रही थी। प्रणाली भी बोलती है देखा आप लोगों ने यही चीज़ हो रही है मेरे साथ, ये नाइंसाफी ना सहा नहीं जा रही है मुझसे। अध्याय बोलती है कि मैंने क्या किया, अरे देखिए इस चीज़ में मेरी कोई गलती है नहीं। ये बोलती है वो बेबी को एकदम से गोद में लेते हुए बात करते करते बालकनी के साइड में जाती है। प्रणाली हंसती है बोलती है जल्दी है ये। तभी जो पल्लवी बोलती है बात तो सही है। आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, सी यू सून गाइस एंड गुड नाइट।